नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कहा, सत्य की निरंतर खोज करना ही विज्ञान। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर तैयारियां तेज। खाद्य आपूर्ति मंत्री बोली, उपभोक्ताओं को मिलेंगे कई लाभ। जुलाई से उपभोक्ताओं को मुहैया कराया जाएगा स्मार्ट राशन कार्ड। उत्तराखंड के खेल जगत में मचा हड़कंप। क्रिकेट खिलाड़ी से मारपीट और 10 लाख रुपए की मांग का मामला। 7 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी से पूछताछ और अग्निपथ योजना को लेकर जताया विरोध। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। भाजपुर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 बाइक और अन्य सामान भी बरामद। उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 10 साल लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और सत्य की निरंतर खोज करना ही विज्ञान है। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान फिल्म को देखने के लिए लोगों से आग्रह किया और कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही इसको टैक्स फ्री कर चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चला है और पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। वहीं लगातार पिछले 8 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बड़ा काम किया है और इस बार का बजट सभी की राय लेकर विधानसभा में पारित किया है ताकि सबका भला हो सके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज शुभारंभ हुआ है जो लगातार अगले 3 दिनों तक चलेगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर, चाहे आपदा प्रबंधन हो, अन्य स्थान हो, हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के रास्ते हो, उन सभी पर यहाँ पर चिंतन और मंथन होगा और इस मंथन से ज्ञान के अमृत निकलेगा हमारे इसके लिए, जो है ऊर्जा का, उत्साह का और ज्ञान का भंडार होगा जो हमको एक रास्ता दिखाएगा कि हम आगे जाएं और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हमारा राज्य बने। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। बता दें कि स्मार्ट राशन कार्ड एटीएम की तरह कार्य करेगा और उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे जिनमें उनकी आइडेंटिटी को लेकर कई अन्य सारे लाभ भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार इस विषय पर कार्य कर रही है और जुलाई में उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा। राशन कार्ड अपने आप में, जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब कभी भी वो राशन लेने जाएगा वो अपने उस नंबर को डायल करेगा, उसके माध्यम से उसे राशन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल वो देख सकेगा कि उसने कब 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 वो राशन लिया है। तो उसको हर प्रकार से रख रखाव से लेकर उसकी अपनी आईडी के रूप में पहचान से लेकर ये सुविधा जो है डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको मिलती है, जिसके लिए विभाग ने भी कहा है कि जुलाई अंत तक जो है हम सभी को जो है डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे तो हम उसमें सफल होंगे।
उत्तराखंड की क्रिकेट एसोसिएशन गंभीर विवाद में उलझ गई है, जिससे क्रिकेट ही नहीं बल्कि खेल जगत में हड़कंप मच गया है। बता दें कि एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 लाख रुपए की मांग करने और उसके साथ मारपीट के आरोप में 7 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसे लेकर राज्य की खेल मंत्री ने कहा है कि इस मामले में BCCI तक भी ले जाया जाएगा। वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि यह एक गंभीर प्रकरण है जिसका संज्ञान लेकर CAU को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी CAU की है। अखबार के माध्यम से और अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से बताया कि एक क्रिकेटर के साथ में खेल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट का जो है उसके दुर्व्यवहार की बात जो है वो सामने आई है। उसने क्रिकेटर के साथ दुर्व्यवहार किया और क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर जो है उसके कुछ सदस्यों पर जो है FIR दर्ज कराई है। निश्चित रूप से ये घटना अपने आप में चाहे दोनों पक्षों को हम देखते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रहा और मुझे लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन की बनती है कि खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखना या खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाए रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को यदि दुर्व्यवहार होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्तराखंड जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। खेल एसोसिएशन जो है क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चिंता करें और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि उस क्रिकेटर को जाँच के बाद में जो उचित न्याय वो अपेक्षा करता वो ज़रूर मिलेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अग्निपथ को लेकर कहा कि विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस जिसने पहले किसान आंदोलन में जमीन तलाशने का प्रयास किया और अब अग्निपथ के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में युवाओं को विशेष आभार व्यक्त करा। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों में संबंध अच्छे नहीं है, ऐसे में सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा जो आज निराश हैं, हताश हैं, कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। वो मकान वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसको वहाँ पर जाकर तोड़वा दिया। वो अवैध ऐतिहासिक था। तो मैडम वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हमारे जो लेखपाल हैं वहाँ पर स्थानीय, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम वहाँ पर गए थे और उसे तोड़वाया गया। अग्निपथ योजना पर देश में मचे हंगामे के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि अल्मोड़ा में आक्रोशित युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मार्कशीट की प्रतियां भी जला दी। युवाओं ने कहा कि सरकार की गलत नीति के चलते देशभर में युवा सड़कों पर है, लेकिन युवाओं की मांगों को सुनने के बजाय भाजपा के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से सेना की लिखित भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, जिससे बेरोजगार युवा अवसाद की ओर जा रहे हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। और जो हम मांगे रख रहे हैं उनको सुनने तक को तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े कहां कहां पता नहीं रैली वैली क्या क्या हो रहा है, अरे इन चीजों को कुछ तो सुनना चाहिए इन लोगों ने। किच्छा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की जनता को अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन केंद्र सरकार सेना के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नो, 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 नो,
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस कार्रवाई के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वेष भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देश की केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं से लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेसजनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे, क्योंकि आज पूरा देश, इस देश का युवा आज सड़कों पर उतर आया है इस देश की प्रधानमंत्री की नीति के कारण, और प्रधानमंत्री जी देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार ईडी के माध्यम से कर रही है। उत्तराखंड रामनगर के ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, खान विभाग की टीम और प्रशासन ने कई स्टोन क्रशरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम गौरव चटवाल, खान विभाग के उपनिदेशक राजपाल लेघा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर डी के जोशी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रेशर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर डी के जोशी के मुताबिक गुलाल चंद्र वासवानी और 16 स्टोन क्रेशर की शिकायत दर्ज करी गई थी, जिसके बाद निर्धारित मानकों को नहीं पाया गया, उनकी अनदेखी देखी गई और दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर जायजा लिया गया। वर्तमान में जो है गोपाल चंद्र बनवासी ये वर्सेस एसडीएम रामनगर की मैं केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आयोजित हुआ था, उन्होंने डिसीजन दिया था 27 तारीख को कि यहाँ पे जो 16 स्टोन क्रशर जो हैं उनकी यह जांच करनी है कि वो चल रहे हैं क्या है किसी है, उसकी स्थिति में आज जो है एसडीएम रामनगर और अपर निदेशक खान और हमारे प्रदेश की है। किच्छा कोतवाली के नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डीजीपी के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर तबादला होने के बाद धीरेंद्र कुमार को किच्छा का नया कोतवाल बनाया गया है। किच्छा कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनता के सहयोग से नशाखोरी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्वारा हर्षवर्धन को भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है। हर्षवर्धन को भाजपा जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर खटीमा के उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन का स्वागत सम्मान किया। वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने की बात कही। और अपने जिला अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस कार्य के लिए चुना है, जो भी मुझे पद दिया है, मैं अपने इस पद के लिए अच्छा कार्य करूँगा और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा हर संभव तत्पर रहूँगा। मुझे पद मिलने से यहाँ के सभी युवाओं में, सभी कार्यकर्ताओं में मजबूती मिली है और सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने बुलडोजरों से सरकारी भूमि पर बने सभी घरों को ध्वस्त कर दिया। एकाएक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय निवासी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि जब राजनीतिक पार्टियों को हमारे वोट की आवश्यकता होती है तो सब हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं, परंतु जब हमें उजाड़ रहा जाता होता है तो कोई जनप्रति मुँह दिखाने को नहीं आता। जिसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर,
हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज, लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी, कितनी जगह नहीं दी जाएगी। इतने बड़े लोग हैं, हमें कोई कहता है हम चुनाव जीत जाएंगे तुम्हें कहीं रहने की व्यवस्था बना के देंगे, हमें कोई व्यवस्था दी नहीं गई है, इस बरसात में हमें बेघर कर दिया गया है। इन लोगों को बताओ कोई ना मेरे रहना चेयरमैन है, कोई भी यहाँ पे प्रशासन नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, सिर्फ बस वही दिख रहा है और हम बेघरों को गरीबों को बेघर करा जा रहा है। बारिश के सीजन की शुरुआत हो गई है लेकिन नगर निगम हरिद्वार के अधिकारी इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हर साल हल्की बारिश में भी मध्य हरिद्वार के साथ साथ कई प्रमुख बाजारों में लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसके लिए नगर निगम की ओर से मानसून सीजन में पहले ही नालों की सफाई करवाई जाती है, लेकिन इस बार अभी तक नालों की सफाई का काम नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारी युद्ध स्तर पर काम जारी रखकर जल्द से जल्द काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार में छोटे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले हरिद्वार नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और नगर निगम क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाने की मांग की गई। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेशानुसार हरिद्वार में वेंडिंग जोन स्थापित किया जाना बेहद जरूरी है। वेंडिंग जोन स्थापित होते ही छोटे व्यापारियों का अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न नहीं होगा। देखिए, स्ट्रीट वेंडर अधिनियम जो नीति है सरकार की, उसके तहत इन्होंने एक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। तो पूर्व में ही हम लोगों के द्वारा दो वेंडिंग जोन ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं और अन्य वेंडिंग जोन जो भी चयनित किए गए हैं यहाँ पर उनमें अभी सत्यापन का कार्य गतिमान है। तो जैसे ही हमारे सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा तो हम अन्य वेंडिंग जोन में भी कार्य करना स्टार्ट कर देंगे भाई, क्योंकि हमारे जो पुराने वेंडिंग जोन है जो प्रस्तावित हैं जो TBC ने पास किए हुए हैं उसका सत्यापन नहीं हो रहा है और सत्यापन ना होने के कारण जो है वो बाजार नहीं बस रहे हैं। तो आज MNA साहब ने जो है SNA साहब को जो है एक शक्ति के रूप में उनको निर्देशित किया है। राज्य सरकार के निर्देशन में जो वेंडर नीति है उसका संरक्षण दिया जाएगा ताकि जो है रेड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर जो है अनावश्यक रूप से उसका उत्पीड़न ना हो और अतिक्रमणकारी ना कहलाए, स्वरोजगारी कहलाए। इन सब बातों को लेकर आज यहाँ पर चिंतन मंथन हुआ है। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का आक्रोश फूट गया। जल संसाधन के कार्यालय में पहुंचकर उन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पेयजल किल्लत को लेकर जल संस्थान के JEN से गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि गर्मी में भी हजारों लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है और जल संस्थान के लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। इन दिनों प्रदेश में 4 धाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बड़े जोर शोर से चल रही है। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा में आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग हुड़दंग मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सिख यात्रियों ने संयुक्त अस्पताल के नीचे पहले महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फिर जब स्थानीय युवक ने उनका विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की और सर पर डंडे से प्रहार कर युवक को घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 सिख युवकों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक शिक्षिका के घर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने करीब 14 लाख की सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया। SSP ने पुलिस की टीम का गठन किया जिसके बाद पुलिस ने महज 5 घंटे में ही दबिश देकर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में SSP प्रदीप राय ने प्रेस वार्ता कर खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि टैक्सी चालक आरोपी ने बैंक लोन होने के चलते घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर SSP ने पुलिस की टीम को 5,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। कल हमारे एक FIR दर्ज हुई थी कि एक घर से जो NTT क्षेत्र में पड़ता है इसमें दिन में चोरी हो गई और वो परिवार जिसे शादी के लिए कुछ आभूषण रखे हुए थे वो सारा सामान चोरी हो गया। इस पर हमारी जो थाना पुलिस की टीम और SOG की टीम ने इस पर काम किया
और काफ़ी मेहनत करके इन लोगों ने जितना भी माल था, करीब 14 लाख रुपए तक का माल था, जिसमें कि कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे, एक कैमरा था, वो सारा माल बरामद कर लिया गया है। जो मुलजिम है वो लोकल में बोलेरो चलाता है और ऐसा उसने बताया कि उसके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था और इसके लिए उसने ये गलत काम उठाया। क्या कार्रवाई की जाएगी इसको? तो इसको इनके ऊपर जो भी हमारा जो अपराधी है उसको जेल भेजा जा रहा है और जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ ही जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं टीम में जो शामिल, उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये अल्मोड़ा की सम्मानित जनता से निवेदन करूँगा कि कृपया ऐसे जो बेसकीमती सामान है वो अपने घर में ना रखें, लॉकर का प्रयोग करें। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और अन्य सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना मिली थी कि दोराहा के समीप चोरी की 2 बाइकों के साथ 4 युवक जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम महेशपुरा के पास चेकिंग के दौरान 4 युवकों को चोरी की 2 बाइकों के साथ पकड़ लिया। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर 4 अन्य चोरी की बाइक, 1 इंजन, 4 साइलेंसर और 1 बाइक की टंकी बरामद हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।